मध्य प्रदेश सरकार भू माफियाओं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। राजधानी में भी कई अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई हुई। बैरागढ़ कला में भी राजू मीना के अवैध कब्जे वाले मकान को तोड़ दिया गया। राजू मीना के खिलाफ लगभग 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोपाल में अवैध कब्जे हटाने की प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन भू माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अवैध कब्जों से शहर को मुक्त कराने का अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत नगर निगम अमला और पुलिस प्रशासन का दल बैरागढ़ कला पहुंचा। बैरागढ़ कला में राजू मीना के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने ग्राम बेहटा के पास टेकरी के पीछे सरकारी जमीन पर बनी डेयरी को भी जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया था। एसडीएम मनोज उपाध्याय और एसडीओपी दीपक नायक ने प्रशासन को जो नाम दिए थे उन मकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। राजू उर्फ राम नारायण मीणा ये निगरानी शुदा बदमाश है और इनके ऊपर लगभग 49 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो जो मकान आप देख रहे हैं तोड़ा जा रहा है वो इनके स्वामित्व का मकान है और नगर निगम से कोई एनओसी नहीं है इसकी। बिना एनओसी के इन्होंने मकान बनाया हुआ है इसलिए इसको तोड़ा है। हमने जो लिस्टिंग कर रखी है जो थाना क्षेत्र के इस तरीके के अपराधी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपराध हैं और जिनके द्वारा इसी प्रकार से संपत्ति का अर्जन किया गया है उनके विरुद्ध में इस तरीके की ये कार्रवाई करी गई है। इनके मकानों के जो अवैध निर्माण करे गए हैं और उनकी और संपत्ति को भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी तमाम सूची हमारे थाना क्षेत्र में अनुभाग के स्तर पर सूची बनाई गई है और उसमें लगातार संपत्ति चिन्हित करके इस तरीके की कार्रवाई के लिए क्योंकि नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई करी जा। बिना अनुमति के 1500 वर्ग फीट पर मकान राजू मीना ने बना रखा था। राजू मीना के खिलाफ बैरागढ़ और खजूरी थाना क्षेत्र में अड़ीबाजी अवैध शराब बेचने समेत 49 प्रकरण दर्ज हैं। बैरागढ़ कला निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश राजू उर्फ राम नारायण मीना के मकान को जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। कब्जा हटाने पहुंचे अमले को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। राजू के मकान पर अमला पहुंचते ही महिलाएं घर से बाहर निकल आईं। भाई हरि नारायण और सपना मीना ने पुलिस प्रशासन से काफी देर बहस की लेकिन प्रशासन ने किसी की बात नहीं सुनी। घर का सामान निकालने के लिए परिवार को आधे घंटे का समय दिया गया। इसके बाद 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मकान तोड़ दिया गया। माफियाओं की सूची पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, नगर निगम द्वारा फिर उनकी संपत्ति के संबंध में परीक्षण किया जाता है कि उनके जो भवन है या जो भी उन्होंने अवैध रूप से जो गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी अनुमति उस इंस्पेक्टर की नगर निगम से अनुमति प्राप्त की गई है कि नहीं की गई है। यदि नहीं की गई तो उसको तोड़ने की कार्रवाई की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।